आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट सीजन 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसको लिखा है मेरी साथी लेखिका जानकी बिष्टवाही ने। कहानी का शीर्षक है आखिरी पन्ने। कई साल से रंग रोगन के बिना घर बदहाल हो रहा है। कटोरे में पानी और चम्मच को पास रखी मेज पर रखते हुए पत्नी थके अंदाज में बैठ गई। जब तन मन में ही घुन लग जाए तो कुछ नहीं भाता, ना तारों भरा आसमान, ना सुबह की अरुणिमा, अटक अटक कर पति बोला। तो पत्नी को लगा कि पति के मुंह से आए इन चंद शब्दों ने मुंह से बाहर आने में जैसे युगों का सफर तय किया हो। जब घर खरीदा था तो ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे, फिर दोनों नौकरी में व्यस्त हो गए तो समय नहीं मिला, अब पैसा और समय दोनों हैं तो शरीर नहीं है। इधर पत्नी अपनी ही रो में बोलती रही, उसकी आंखों में छुपे सपने अपने अंतिम सांस ले रहे थे। पति ने इशारे से पानी मांगा। चम्मच से मुंह में पानी को बूंद की तरह टपकाते हुए पत्नी ने ठिठोली की, बिल्कुल उस चातक की तरह लग रहे हो जो स्वाति नक्षत्र में गिरी बूंद को निगलने के लिए आसमान की ओर ताकता रहता है। अच्छा परिहास कर लेते हो। इतना बोलने में ही पति थक गया और आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों से दोनों बेटों से कह रही हूं, अब अकेले ये सब नहीं कर पा रही हूं, किसी लड़के को रख लेते तो मदद कर देता मेरी। अब देखो ना, आपको कपड़े भी नहीं पहना पाती हूं, घंटा लग जाता है मुझे। ब्रेड को मसल कर पति के मुंह में डालते हुए पत्नी को मालूम है इस एक या आधी ब्रेड खिलाने में भी एक घंटा लग जाएगा इन्हें। पति ने आंख खोलकर पत्नी को निहारा। कहते हैं जमाना बहुत खराब है, नौकर रखने से घर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हम तो सुबह के गए शाम को ही लौटते हैं, कहीं तुम दोनों को कुछ करके फरार हो गया तो अभी कौन सा जिंदा है। पति बोला और दो बूंद आंखों की कोर से बह निकली, शायद अपनी विवशता पर। चप्पल बुरी तरह घिस गई हैं, जब भी लाने को बोलती हूं तो दोनों यही बोलते हैं ले आएंगे। 6 महीने हो गए ये सुनते सुनते। पत्नी की आंख भर आई। पति ने बेबसी से देखा और बोला, खुद जाकर ले आओ। कैसे लाऊं, आप तो एक पल को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते मुझे। कुछ समय दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी रही, फिर पति ने मुंह खोला, और भी कुछ कहना है। नहीं, फिर हौले से बुदबुदाई। कहना तो बहुत कुछ था राज, पर कैसे कहूँ। 2 साल से बिस्तर पर पड़े हो, तिल तिल छिज रहे हो, कुछ कहकर आपका मन ही दुखाऊंगी। कुछ बोली क्या तुम? नहीं तो। पत्नी को देख पति ने कहना चाहा, मन का बोल ही दे सुधा, तुम्हारी मदद तो नहीं कर पाऊंगा पर सुनकर दुख तो बांट पाऊंगा। लेकिन शब्द अस्पष्ट बुलबुलों के रूप में निकले जो सुधा समझ नहीं पाई। अब पत्नी मुस्कुराई और बोली, पता है राज, अक्सर मुझे लगता है कभी हमारे सपनों का ये घर एक जंगल वन में तब्दील हो गया है, जिसके बियाबान में मैं और तुम सिर्फ बातों की जुगाली करते हैं।
फिर हौले से अपने हाथों में पति का बेजान हाथ लेकर सहलाने लगी। अब दोनों की जुबान चुप है, पर आंखें बहुत कुछ सवाल जवाब बूझ रही हैं, जैसे जिंदगी के आखिरी पन्नों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी पिछली कहानियों की तरह आपको ये कहानी भी खूब पसंद आएगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और अभी तक अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अपनी साथी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।